हे गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, बिग बॉस 15 के आरंभ में ही प्रचंड रूप हो गया है। सभी अपना अपना रौद्र रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोमोज एक के बाद एक आ रहे हैं, उन प्रोमोज को देखने के बाद बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि भाई सिद्धार्थ मत बनो, अपनी ही रियलिटी रखो, अपना पर्सनैलिटी रखो, अपनी खुद का व्यक्तिगत जो आपका हो नेचर बिहेवियर वो दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब भी कोई बात हो रही, जब भी कोई लड़ाई हो रही, सभी के सभी शुक्ला के जैसे रिएक्ट करने लग जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मैटर चल रहा है एक्चुअली। बात यह है ना कि जब आप से पहले सीज़न के जो लोग एक बार सेट करके गए हैं तो लोग उन्हीं के जैसे रिएक्ट करते हैं, तो सोचते हैं कि शायद उन्हें भी उतना ही सक्सेस मिलेगा, उतना ही प्यार मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी असलियत दिखाओगे तो वो ज़्यादा फैंस पसंद करेंगे। हाँ, सिद्धार्थ की जो रियलिटी थी, चाहे सिद्धार्थ का कुछ भी था, वो सब लोगों ने पसंद किया, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, सब कुछ लोगों ने पसंद किया। अब ऐसे में करण कुंद्रा की कुछ बात सुनकर फैंस कह बैठे हैं कि भाई कुंद्रा ही रहो, शुक्ला मत बनो। जी हाँ, करण कुंद्रा प्रतीक सहजपाल की लड़ाई में बोलते हुए नजर आए हैं, 1 2 3 4 5 कोई नहीं हुआ है फिजिकल, तू होता है फिजिकल। जी हाँ, इस तरीके से जब बात बोली है तो लोगों को सिद्धार्थ का वो डायलॉग याद आ गया जब उन्होंने बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाड़ में जाओ। जी हाँ, तो उसी तरीके से जिस टोन में एक्चुअली करण कुंद्रा ने इस डायलॉग को बोला, उस टोन को सुन के फैंस को सिद्धार्थ की याद आ गई और कहा कि सिद्धार्थ की कॉपी भैया मत करो, तुम अपना खुद का नेचर दिखाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब भी लड़ाइयाँ होती हैं सब बिल्कुल वैसे ही टोन दिखाते हैं, जितने भी बॉयज़ वगैरह हो गए सब वैसे दिखाते हैं, लेकिन अफसोस वो बार सेट नहीं कर पाएंगे कोई भी लोग, कोई नहीं कर पाएगा।